झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एग्री कमोडिटी की अगर हम बात करें, पिछले हफ्ते में ऑलमोस्ट सभी कमोडिटी के अंदर हमने एक गिरता हुआ माहौल बनते हुए देखा है। लेकिन हम बोल सकते हैं एक बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल था। सबसे पहले हम कैस्टर की बात करते हैं, तो कैस्टर में पिछले हफ्ते 5% की बड़ी गिरावट आई, प्राइस सेलिंग दिखाई दी है और इंडिकेटर वाइज भी एक प्रेशर था। आरएसए अभी भी 60 पे, इसका मतलब थोड़ा और गिरावट दिख सकती है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जिसका मतलब है मार्केट में गिरावट। फंडामेंटल साइड देखिए, एरिया अंडर कल्टीवेशन में थोड़ा ड्रॉप था और हमने प्रोडक्शन साइज भी कम देखी, जिसकी वजह से प्राइसेस में अच्छी खासी तेजी देखी है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते में हमने 7540 का भी लेवल हमने ऑलमोस्ट छूते हुए देखा था। बट कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट डिमांड पे एक डेंट लगा हुआ है। चाइना जिधर से हम जानते हैं कि सबसे बड़ा कैस्टर ऑयल का इंपोर्टर है और जिस ढंग से लॉकडाउन लगा हुआ है 9 दिन का, कहीं ना कहीं इस पर डेंट है, जिसकी वजह से प्राइसेस में भारी गिरावट देखी गई और 7050 का लेवल है। मे बी 6950 से लेकर हम 7000 का एक बेस समझते, वहां पे एक नई बाइंग बनते हुए दिखाई देगी कैस्टर के अंदर, जो अपसाइड के अंदर वापस 7250 का लेवल दिखा देगी। तो कैस्टर में 6950 से 7000 के करीब आप बाइंग के लिए सोच सकते हैं। वहीं अगर मसालों की बात करें, तो हमने बार बार जताया था कि थोड़ा सा स्टे अलर्ट रहिए और हमने देखा कि हल्दी में 10000 का लेवल छूने के बाद एक बड़ा फॉल आया और हमने वापस 9500 पे आके गए। देखिए, लॉन्ग टर्म हल्दी में तेजी है, जिस ढंग से हम जानते हैं कि इस बार भी एरिया में थोड़ा ड्रॉप आ सकता है। एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है, रुपए में गिरावट के चलते और तेजी बढ़ेगी और 12500 का लेवल दिखा देगा। बट दिस इज नॉट अ राइट टाइम और राइट प्राइस टू बाय, तो आई थिंक हल्दी में अभी भी दूर रहिए। फ्रेश बाइंग हमने हल्दी में जरूर देखी थी, जिसकी वजह से तेजी आई थी, बट जो पिछले 2 सेशन में गिरावट आई है, ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। हमें लगता है 9000 का लेवल एक बार फेयर प्राइस बोल सकते हैं, जहां पे हम बाइंग करके चल सकते हैं, तो 9000 के ड्रॉप तक वेट एंड वॉच करके बाइंग करिए। जीरे के अंदर पूरे हफ्ते के अंदर एक अच्छी तेजी हमने देखी, जो 23500 का लेवल छूने के बाद 22500 पे बंद हुआ है। कहीं ना कहीं लोअर साइड पे बंद होने का मतलब है हायर साइड से जबरदस्त फॉल बैक आया है, फ्रेश सेलिंग बन चुकी है। और आरएसआई की बात करें तो ये 76 पे है, जो बताता है कि मार्केट सिवियरली ओवरबॉट में है, तो जीरे से आप बच के रहिए। जो डाउन साइड में हमें लगता है कि प्राइजेस 21000 का एक फेयर प्राइस बोल सकते हैं हम लोग, वहां पे हम एक रिव्यू करेंगे, बट बच के रहिए। धनी की बात करें तो धनी में भी हमने जबरदस्त 12000 के लेवल से वीक चालू होता हुआ दिखाई दिया और 13300 का लेवल छुआ, बट हायर लेवल से हमने जबरदस्त फॉल आते हुए देखा और 12500 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। देखिए, क्वालिटी इश्यू बताया जा रहा है, जिस ढंग से एक्सचेंज क्वालिटी है मार्केट में नहीं है, इसलिए हमने एक बड़ी तेजी देखी है। बट जो क्वालिटी हाजिर मार्केट में आ रही है, वो सुपीरियर क्वालिटी बनी हुई है, बट इतने ऊंचे भाव में बाइंग सजेस्टेबल नहीं है। अगेन, ये काउंटर से भी अवॉइड रही है, क्योंकि 82 पे आरएसआई है, जो ट्रेंड नेगेटिव दिखा रहा है। मे बी पॉसिबल फॉल और कंटिन्यू रहेगा, जो 10500 से 10800 की रेंज में मिले, वहां पे हम एक नई बाइंग के लिए सोच सकते हैं, करंट लेवल से अवॉइड कीजिए। गवारा कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने नो डाउट पिछले 2 सेशन में जबरदस्त गिरावट देखी है, बट उम्मीद अभी भी तेजी की, जैसे हमने उम्मीद की थी। प्राइजेस में 6800 का लेवल छुआ और छूने के बाद एक पुल बैक दिखा रहा है, जो 6400 का लेवल दिखाया है। हमें लगता है कि 6300-6400 के बीच में कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट में फिर से तेजी का रुख बनेगा, जो 6800 के करीब दिखा सकता है अगले 1 महीने के अंदर। बट 6300-6400 के बीचों में लेके चलिए। गवार गम के अंदर भी हमें लगता है कि 12500 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। थोड़े से डाउन साइड पे अगर हम 11800-11900 के करीब मिले, वहां से हम बाइंग करके चलेंगे मार्केट के। अभी थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए। मेहता हिडन है, क्योंकि मंथली चार्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक रिवर्स टेबल ट्विन टावर पैटर्न बना है, जो हमें बताता है कि प्राइजेस में तेजी का न्यूज है। टेक्निकली भी फंडामेंटली भी एरिया अंडर कल्टिवेशन में ड्रॉप है, जिसके चलते प्राइजेस में तेजी का रुख कायम रहेगा, जो अपसाइड के अंदर
करीबन 1180 तक का लेवल दिखा सकता है, तो मेथड लिया जा सकता है। कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें अंत में, तो कॉटन के अंदर हमने फिर से 2.5% की तेजी देखी शॉर्ट कवरिंग के चलते। आरएसआई 84 के करीब है जो कॉशियस देता है, हमने 44,000 से 45,000 का टारगेट रखा था, 44,000 टच कर चुका है, तो थोड़ा सा कंसर्न है मार्केट के अंदर। बट एक ध्यान रखिए, 15 अप्रैल के बाद एक बड़ा करेक्शन, शार्प करेक्शन 32,000 के लिए तैयारी कर रहा है मार्केट धीरे धीरे, तो पोजीशन कम रखकर ट्रेड कीजिए। 40,000 के ऊपर मार्केट एक करेक्शन में ड्यू है। वहीं कॉटन सीड ऑयल के अंदर प्रेशर बना है, 3,040-3,030 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना याद से, अदरवाइज मार्केट 3,000 से लेकर 3,300 की रेंज में ही ट्रेड करेगा।